Good evening, student. This is our science class, and here we will discuss about the question answer of chapter number 1, Growing Plants. It's internal question and also the word meaning we have done already. So let's start. Our first question is, what are cultivated plants? Cultivated plants क्या होते हैं? तो cultivated means होते हैं seasonal plant, जो season के according grow करते हैं, वो होते हैं cultivated plants. ठीक है? तो its answer will be crops that are sown by seeds in different season is called cultivated plants. Crops that are sown by seeds in different seasons are called the cultivated plants. कि जो crops लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं seeds के through अलग अलग season में, उनके season के according उनको क्या बोलते हैं? Cultivated plants. सबसे पहले यहाँ पे मैंने crops का use किया. Crops और plants में क्या difference होता है? जो crops हैं वो क्या होती हैं? Economically beneficial होती हैं. ठीक है, और ये इतनी बेनिफिशियल नहीं होती. इकोनॉमिकली का मतलब कि पैसों के लिए, जैसे अगर हम सिर्फ पैसों के लिए खेती कर रहे हैं ना, कमाने के लिए, तो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. क्रॉप्स का मतलब होता है कि अगर हम बहुत बड़े रीजन में, बहुत बड़ी जगह पर सेम तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे फार्मर्स हैं, वो अपने खेतों में बहुत बड़ा रीजन होता है जगह पे, एक ही तरह के प्लांट्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्रॉप्स जो बीजों के थ्रू, सीड्स के थ्रू लगाई जाती हैं डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग. जैसे हम यहाँ पे वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. गेहूं है जो वो उसकी रबी की फसल है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग विंटर सीजन में लगती है. वो तो वो नवंबर दिसंबर में लगती है और मई जून में काटी जाती है ना, तो फिर वो उसका क्या मतलब है कि वो उसी सीजन में ही ग्रो होती है. हम उसको गर्मियों में नहीं लगा सकते, जैसे जून जुलाई में हम उसको नहीं लगा सकते, तो उसका सीजन क्या होता है? नवंबर दिसंबर का. ठीक है, तो वो क्या होगा? कल्टीवेटेड प्लांट का एग्जांपल होगा. कल्टीवेटेड प्लांट्स द क्रॉप्स दैट आर सोन बाय सीड्स इन डिफरेंट सीजंस आर कॉल्ड द कल्टीवेटेड प्लांट्स. जो सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो करे वो क्या होती है? कल्टीवेटेड प्लांट्स. व्हाई डू वी ग्रो प्लांट्स? Why do we grow plants? हम plants क्यों लगाते हैं? Why मतलब क्यों? We grow लगाते हैं plants. हम plants क्यों लगाते हैं? तो हम खुद भी, जैसे हम अपने घरों में भी plant लगाते हैं, तो plant क्यों लगाते हैं हम अपने घर पे? हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं plant से. plant हमें oxygen देते हैं, wood देते हैं, है ना, और paper भी बनते हैं plant से, है ना, vegetable मिलती हैं, fruits मिलती हैं, तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं. तो हम अपने फायदे के लिए प्लांट्स को ग्रो करते हैं. Why do we grow plants? We grow plants. हम प्लांट्स लगाते हैं because we get a lot of things from them. वी ग्रो प्लांट्स, हम प्लांट्स लगाते हैं बिकॉज, क्योंकि वी गेट, हमें मिलता है अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें फ्रॉम देम, उनसे मिलती हैं. ठीक है, हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स? व्हाई, क्यों प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सो मेनी सीड्स? बहुत सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्लांट्स इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं. जैसे हम एग्जांपल लें, अगर मान लो कोई भी प्लांट है, अगर मान लो ट्री लिया है, कोई ट्री पे बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं. ठीक है, तो हर एक फ्लावर में, जितने भी फ्लावर हैं, कोई भी फ्लावर है, तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं. तो अगर एक फ्लावर में इतने सारे सीड्स हैं, तो एक पेड़ पे इतने सारे फ्लावर लगे हैं, उसमें से बहुत सारे सीड्स निकलेंगे, है ना. तो उसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक प्लांट है जो, वो इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी प्लांट्स प्रोड्यूस
so many seeds to ensure the continuation of species. The seed contains embryo that grow into a plant. तो plants produce so many seeds. Plants बहुत सारे seeds produce करते हैं to ensure the continuation of the species. Continuation of species का क्या मतलब है कि वो अपनी species है जो उनकी प्रजाति है उसको continue मतलब जारी रख सके ताकि उनकी species कभी खत्म ना होए, इसलिए वो इतने सारे seeds produce करते हैं. ठीक है, स्पीशीज खत्म कैसे ना हो, जैसे मान लो अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, जैसे हमने मैंगो ट्री का एग्जांपल लिया. ठीक है, अगर एक टाइम में आज जितने भी ट्री हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद वो ट्री खत्म होते जाते हैं ना, क्योंकि लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स का एंड ऑफ लाइफ होता है ना, तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है. अगर मैंगो ट्री जितने भी हैं, अगर हम नए मैंगो ट्री ना लगाए और जितने पुराने हैं वो सारे एक टाइम के बाद खत्म होते जाएंगे, तो ऐसे करके पूरी दुनिया में जितने भी मैंगो ट्री हैं वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, है ना. तो मतलब कि जो मैंगो ट्री की स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी. उनकी स्पीशीज खत्म ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम सीड के थ्रू दोबारा दोबारा नए मैंगो ट्री लगाते रहें और कभी मैंगो ट्री खत्म ही ना हो. ठीक है, पुराने जैसे जैसे खत्म होते रहेंगे हमें बीज मिलते रहेंगे तो हम बीज से नए ट्री लगाते रहेंगे, तो ऐसा करके कभी भी उनकी स्पीशीज जो खत्म नहीं होगी. ठीक है, तो वो प्लांट्स है जो प्रोड्यूस करते इतने सारे सीड्स, सो मैनी सीड्स टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज, अपनी स्पीशीज को जारी रखने के लिए ताकि उनकी प्रजाति खत्म ना हो. द सीड कंटेन्स एम्ब्रियो दैट ग्रो लेटर इन टू अ प्लांट. जो सीड है, हमने इसके लेसन में भी रीड किया था कि जो सीड होता है वो सीड के बीच में एक बेबी प्लांट होता है. सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था. ठीक है, तो इस सीड के बीच में यहाँ पे एक बेबी प्लांट होता है, ये है बेबी प्लांट, ये होता है सीड कोट जिसमें जो फूड होता है बेबी प्लांट के लिए वो स्टोर होता है, ये होता है बेबी प्लांट. बेबी प्लांट के बीच में इसको बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है, जब हम इस सीड को सो करते हैं या मिट्टी में लगाते हैं तब ये जो एम्ब्रियो होता है यही क्या करता है, कुछ टाइम के बाद ग्रो होने लगता है और प्लांट की फॉर्म में मिट्टी से बाहर निकलता है. ठीक है, तो जो सीड कंटेन्स, द सीड कंटेन एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है दैट ग्रो, वो ग्रो करता है लेटर बाद में इंटू अ प्लांट, वही ग्रो करके क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है. ठीक है, तो प्लांट्स इतने सारे सीड क्यों प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस सो मेनी सीड टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज, ताकि उनकी स्पीशीज कभी खत्म ना हो सके. द सीड कंटेन एम्ब्रियो, जो सीड है उनमें एम्ब्रियो होता है जो लेटर ग्रो करता है प्लांट की फॉर्म में. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर सीड्स डिस्ट्रॉयड, हाउ कैसे सीड्स बीज डिस्ट्रॉयड खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा उसने कि सीड है जो बीज है वो कैसे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो एक प्लांट है वो बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है ना, तो अगर वो एक ही प्लांट इतने सारे सीड्स को प्रोड्यूस कर देगा तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे. एक ही प्लांट के सीड से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, है ना, लेकिन हमारे पास इतने सारे प्लांट्स नहीं उगते है ना उस तरह के. तो उसने कहा कि बाकी सीड का क्या होता है, वो बाकी सीड कहाँ हो जाते, कहाँ चले जाते हैं, तो वो सीड्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे उसने रीजन पूछा है कि वो जो सीड है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो हाउ आर सीड्स डिस्ट्रॉयड, सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव हीट और कोल्ड और द एनिमल्स दैट फीड ऑन देम. सम
some seeds are destroyed by not getting favorable conditions. इसका क्या मतलब है कि some seeds, कुछ seed है destroyed, कुछ seed destroy हो जाते हैं by excessive heat और cold. Excessive मतलब बहुत ज्यादा heat या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड, गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड के कारण नष्ट हो जाते हैं. मतलब जितना उनको टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे ज्यादा गर्मी हो जाए या उससे ज्यादा ठंड हो जाए तो उसके कारण वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब वो जर्मिनेट ग्रो नहीं कर पाते एक प्लांट की फॉर्म में. ठीक है, तो वो सीड वहीं पे खत्म हो जाता है. या फिर कुछ सीड्स हैं जो वो एनिमल्स खा जाते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन देम, कुछ सीड्स को एनिमल्स खा जाते हैं तब उसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते, नया प्लांट नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि उसको तो एनिमल खा गया. ठीक है, तो बहुत सारे सीड्स हैं जो गर्मी सर्दी के कारण खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे सीड्स हैं जो एनिमल्स खा जाते हैं, तो इन सारे सीड्स से तो प्लांट नहीं बन पाता. डिस्ट्रॉयड बाय नॉट गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती. जैसे अगर हमें, अगर हमने प्लांट को ग्रो करना है ना, मतलब अगर हमने सीड से प्लांट को ग्रो करना है, तो अगर उस प्लांट को ग्रो होने के लिए मान लो जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना वाटर चाहिए, जितनी एयर चाहिए, उतनी ही उतनी क्वांटिटी में उसको ये सब नहीं मिल रहा. फेवरेबल कंडीशन मतलब जितनी जितनी क्वांटिटी में उसको, उसकी जो कंडीशंस है कि ये सब उसको उतना उतना चाहिए, अगर उतना नहीं मिल रहा तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, जैसे सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स, कि सीड को नीड होता है जरूरत. क्या, क्यों जरूरत होती है, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड होता है फैलना, कि उनको फैलने की क्यों जरूरत होती है. बाय सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स्ड, अच्छा इसका क्या मतलब है कि जैसे, चलो पहले हम आंसर देखते हैं इसका. बाय सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट seeds must be scattered. स्पेस नहीं मिल रहा. ठीक है, तो अगर सीड्स एक ही जगह पे गिर गए
एक ही जगह पे ग्रो हो गए तो इनको प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए सीड्स को स्कैटर होना पड़ता है, फैलना पड़ता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अच्छे से ग्रो करने के लिए प्लांट सीड, जो प्लांट के प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए सीड को स्कैटर होना पड़ता है, फैलना पड़ता है दूर दूर तक, सो दैट सीड कैन गेट प्रॉपर, ताकि जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे से हवा मिल सके, पानी मिल सके और स्पेस मिल सके। स्टूडेंट, दिस इज अवर सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आपका क्या मतलब है या आप क्या समझते हो, ठीक है। सो इट्स आंसर विल बी सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स स्टेम रूट्स, दिस इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मीनिंग बन रहा है इसका, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस, हमने जब चैप्टर रीड किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर लगे होते हैं और फ्लावर में सीड्स होते हैं, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सीड्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगे होते, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो अलग अलग तरह से, कुछ प्लांट्स हैं वो स्टेम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ लीव्स के थ्रू करते हैं, कुछ रूट्स के थ्रू करते हैं, है ना। तो इसमें यही कहा है कि कुछ प्लांट्स हैं जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं इनको, लीव्स स्टेम रूट, कि जो प्लांट्स इनके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव।